दो साल की उम्र में पोलियो ने एहसान को माजूर करके इसके आधे धड़ को इसके लिए सारी जिंदगी का बोझ बना दिया। वालदा जो अब खुद फालिज ज़दा है कहती है माजूर बेटे को बचपन में कंधे पर उठाकर टेलरिंग का हुनर सिखाने ले जाया करती थी। जब छोटा था तो दर्जी का काम सिखलाने उसे खुद कंधे पर उठाकर ले जाती थी, रोटी देने भी जाती थी और फिर वापसी भी लेकर आती थी। अल्लाह भला करे जिसने दर्जी का काम उसे सिखाया था। आज एहसान आधे धड़ के साथ व्हीलचेयर और सिलाई मशीन का व्हील घुमाकर जिंदगी की गाड़ी को खुद खींच रहा है, क्योंकि मजदूरी बहुत मुश्किल चीज़ है। क्योंकि मजदूर आदमी कहीं भी जाता है, बाजार में हो, दादात में हो, जहाँ जिस जगह भी जाएगा ना, उसको तकलीफ, दूसरे का रवैया भी तकलीफ दे होता है। मजदूरों की बहाली पर काम करने वाली तंजीम सहारा के मुताबिक पोलियो के बढ़ते वाक्यात में मुआशरे पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। आज के इस दौर में, जदीद तरीन दौर में, पोलियो जैसा मर्ज हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में अभी तक भी मौजूद है और उसके केसेस निकल रहे हैं, तो ये बड़े अफसोस की और बड़े ख़तरनाक बात है कि ये एक मौजी मर्ज है। इसका सिर्फ, इससे बचाव जो है, इसके जो दो कतरे हैं बच्चों को पिलाना, वो लाजमी है। एहसान अपील करते हुए कहता है कि वालदैन की लाइल्मी से आज वो आधे धड़ के साथ जिंदगी गुजार रहा है, मगर आज के वालदैन लाइल्म नहीं रहे। अपने जिगरगोशों को पोलियो से बचाव के कतरों से इनकार माजूरी के खतरे को दावत देना है।